हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा, आपका सीमा सीक्रेट रेसिपी में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी। मटर पनीर खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सभी को बहुत पसंद होता है, तो आज मैं आपको बिल्कुल टेस्टी और ढाबा स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही चटपटा और जायकेदार पनीर और घर पर रखी हुई चीज़ों से ही इसे हम बनाएंगे, बाहर से हमें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये मटर पनीर की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पाव पनीर लिया है, एक कप से थोड़ा सा कम यहाँ पर मटर ले, मटर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर का मिक्सचर तैयार किया है। इस मिक्सचर में 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, 4 से 5 हरी मिर्च ली है और उसे मैंने अच्छे से पीस लिया। 2 यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसमें मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाली है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहे तो प्याज को काट कर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मलाई का यूज़ करेंगे, ये फ्रेश मलाई है। आप चाहे तो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्रीम थोड़ी महंगी पड़ती है। 8 से 10 काजू लिए है, उसे मैंने 1/4 कप में भिगो दिया था और फिर मैंने उसका एक मिक्सर तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर लिए मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा तीखापन भी आएगा, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। सोल्ट हम लेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे आप अपने स्वाद के अनुसार भी नमक यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश कोरिएंडर लीफ लेंगे 1/4 कप, 1 पिंच हींग, सरसों का तेल। ढाबा स्टाइल मटर पनीर जब हम बनाते हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है, वैसे तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर लिए 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता। अगर आप चाहें तो मसालों को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मटर पनीर बनाना। पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, अब हम गैस को ऑन करते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो गैस को हम मीडियम कर देते हैं और तेल को हम अच्छे से पकाते हैं। सरसों के तेल में धुआं निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से हमारी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो इसे हम अच्छे से गर्म करते हैं ऑयल को। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ये खड़े मसाले डाल देंगे, उसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। मसाले अच्छे से भून चुके, अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा, हींग डालेंगे। गैस का जो फ्लेम है उसे आपने लो ही रखना, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। अब हम इसमें ये प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। तो हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। गैस के फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दीजिए क्योंकि अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक अपने स्वाद के अनुसार, और इन्हें अब हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं मसाले। अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्सर में मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें ये जो हमने मलाई ली थी वो इसमें डाल देंगे। ये हमने काजू का पेस्ट लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे, हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर मसाले से तेल अलग होने तक पर अच्छे से पकाते हैं। हमारा मसाला अगर अच्छे से पकेगा तो हमारी सब्ज़ी भी टेस्टी बनेगी। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मसाला हमारा पका है या नहीं। तो हम ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए साइडों में तेल आ चुका है, इसलिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। हम इसमें ये मटर डालेंगे, मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर का यूज़ किया है, इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं मिक्सर में। हम इसमें ये पनीर डाल देंगे, आप चाहे तो पनीर को हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। फिर मैं अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाला। अब हम मटर और पनीर को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। मटर पनीर को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। यह है ढाबे या रेस्टोरेंट में जब मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती है तो वो थोड़ी थिकी होती है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप इसे थोड़ा लिक्विड भी रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी में। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। तो पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल साइडों में आ चुका है और हमारी जो तरी थी वो भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। हमारी सब्जी का कलर भी कितना बेहतरीन आया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ढाबे की तरह, उसका टेस्ट भी बिल्कुल ढाबे जैसा ही है। आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो सब्जी तो हमारी बन चुकी है, देखिए बिल्कुल ग्रेवी भी इसकी थिक हो चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो कसूरी मेथी को मैंने तवे पर अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से बारीक कर लिया हाथों से, तो ये हम इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी से डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो कसूरी मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं पनीर की सब्जी में। घर में रखे हुए सामान से ही हमने बिल्कुल ढाबा स्टाइल मटर पनीर की सब्जी बनाई है और बिल्कुल यम्मी और टेस्टी बनी है। इसमें ये धनिया डाल देंगे और ये भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं सब्जी में।
तो लीजिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे आपको मटर पनीर की सब्जी तैयार हो चुकी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप उसी क्वांटिटी से इसे बनाएं तो आपकी सब्जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।